राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन काल में हमने बहुत वर्षों तक साथ काम किया। उत्तर प्रदेश में उनके शासन काल को विकास एवं सुशासन के लिए याद किया जाता है। दुखद समाचार प्राप्त हुआ, कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। कल्याण सिंह जी एक प्रभावी नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके, राजस्थान में राज्यपाल भी थे। उनके साथ काम करने का मुझे काफी दिनों तक अवसर प्राप्त हुआ है। आपस की परस्पर घनिष्ठता अत्यधिक थी, हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। एक कुशल प्रशासक थे, जो भी निर्णय लेते थे निर्णय पर दृढ़तापूर्वक रहते हुए उसको पालन करवाते थे। हमारे बीच में नहीं है, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके न रहने से जो एक परिवारजनों पर और आत्मीयजनों पर जो एक वज्राघात हुआ है उसको सहने की भगवान ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी के निधन से हमने एक विराट व्यक्तित्व खो दिया। अपनी सहजता और सरलता के कारण वे जनता में लोकप्रिय थे। वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। उनके निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक अनुभव और विकासशील दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। वे वंचित वर्ग के उत्थान और सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित रहे। अपनी सहजता और सरलता के कारण कल्याण सिंह जी जनता के लोकप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास को नई गति दी। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर भी उनके सुदीर्घ अनुभव का लाभ दोनों राज्यों को भी मिला है।